जद्दा में पाकिस्तान कौमी यकजहती फोरम के ज़ेरे एहतमाम बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 145वें जश्न विलादत के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम सियासी जमातों और फोरम्स के जिम्मेदारान ने शिरकत की और सब ने मिलकर केक काटा। दुनिया भर की तरह सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में भी कायद आज़म डे पाकिस्तान कौमी यकजहती फोरम के प्लेटफॉर्म से भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। कायद डे के हवाले से मुनक़दा तकरीब की सदारत कायम मुकाम कन्वीनर बशीर खान स्वाति ने की। तकरीब से खिताब करते हुए बशीर खान स्वाति, चौधरी अजहर वड़ाई, चौधरी अकरम गुज्जर, नौशरवान खटक, चौधरी जहीर, जुबैर राजी, मलिक जावेद और दीगरान ने शिरकत की और अपने अपने खिताबात में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अकीदत पेश किया और कायद के नजरिए की तारीफ की और पाकिस्तानियों को इनकी यौम पैदाइश की मुबारकबाद देते हुए कहा कि इंडिया में आज सच साबित हो रहा है कि बाबाए कौम का नजरिया सच्चा था, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना के हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं और बाबाए कौम जिद्दोजहद और मेहनत से पाकिस्तान हासिल हुआ और हम बाबाए कौम का जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है कि आज हम एक अलग रियासत यानी आज़ाद मुल्क में जिंदगी बसर कर रहे हैं। तकरीब में पाकिस्तानी स्कूल के बच्चियों ने वालिहाना अंदाज में खसूसी नज़म और तकारीर से बाबाए कौम के खिदमात पर रोशनी डाली और सब ने मिलकर कायद आज़म डे का केक काटा। जिन्होंने हमें हमारा प्यारा पाकिस्तान दिया, जिसमें आज हम आजादी से रह रहे हैं। हम कायद आज़म का यौम विलादत, यौम वफात मनाते हैं, लेकिन उनके अफकार को कभी कहीं हम तज़किरा अदा नहीं कर सकते। क्यों? But I like Qaid e Azam Mohammad Ali Jinnah, a person who was not only a man but a great institution of truth, honesty and sincerity. He was born to a rich. हम दियारे गैर में रहते हुए हम समझते हैं कि हम फर्द-ए-वाहिद की हैसियत नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी की हैसियत। उन्होंने सोचा कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, ये मुल्क बन नहीं सकता और अगर ये बनेगा तो चल नहीं सकेगा। ये दुबला पतला आदमी ये क्या कह रहा है? लेकिन आज तारीख ने साबित किया है कि उनकी सोच बड़ी थी, उसने वो मुल्क भी बनाया और उस मुल्क में रहने वाले आज शुक्र भी अदा कर रहे हैं। और जिन लोगों ने कोई नुमाइंदगी हो सके। इसके अलावा मेरे भाइयों, हम सऊदी अरब में आए हैं, हम किसी पार्टी के पासपोर्ट पे नहीं आए, हम किसी ग्रुप के पासपोर्ट पे नहीं आए। हमारे अब अगर आप कायद आज़म का एहसान मानते हैं और उनकी यौम विलादत और तोहफात मनाते हैं तो लाजिम सी बात है कि अगर मतलब वालिद साहब की बरसी पे जमा होगा और जब जमा होगा इसमें वालिद साहब का नाम लेगा तो फायदा नहीं है। ये बात होगी कि वालिद साहब का क्या पैगाम है। तो जब कायद आज़म ने जो कि बीमारी है छुपाई, उन्होंने एक ही फलसफा दिया और वो था कोएग्जिस्टेंस की किताब होगी। सुना है कि गरीब को इंसाफ मिलेगा, सुना है कि हिंदू परिवारी मुसलमानों का कत्लेआम नहीं करेंगे, सुना है कि एक पाकिस्तान बनने लगा है, सुना है कि पाकिस्तान में जिन्ना ने अदल इंसाफ की सच्चाई की बुनियाद रखी है, सुना है कि मुसलमान एक अल्लाह बनने तक का सफर बिल्कुल आसान ना था। इस मंजिल में, इस राह में बेशुमार मुश्किलें मसाइल आए, बहुत सी जगह पर उनको प्रेशराइज किया गया, बहुत लालच भी दिया गया, लेकिन उनका विजन इतना क्लियर था कि कभी भी उन्होंने किसी भी चीज़ को खातिर ख्वाह ना रखा। इसी वजह से बहुत ही अर्ली एज में उन्होंने भांप लिया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन के रहेंगे, मुसलमान हिंद और हिंदू आपस में इकट्ठे नहीं रह सकते, और बहुत ही अर्ली एज में उन्होंने दो कौमी नज़रिया पेश कर दिया था और जो उन्होंने वक्त ने साबित किया 1947 में।